हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो उनके गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे फ्रेंड? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम कुछ ऐसे प्लांटों की बात करेंगे जो इंडोर हैं और कम पानी और कम केयर और उन्हें कम धूप यानी छाया में खूब आसानी से चलते हैं फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को उन्हीं प्लांटों के बारे में बताऊँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड। देखिए मेरा गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, रंग बिरंगे फूलों से कितना गजब लग रहा है फ्रेंड। इस तरह से फ्रेंड सटे सटे आप लोगों को लग रहा होगा, किस तरह रखें, लाइन से नहीं रखें फ्रेंड, क्योंकि मेरी छत का एरिया बहुत कम है। तो मैं फ्रेंड इनको जब ज़्यादा धूप होती है दोपहर की, तो मैं इनको अंदर साइड रख देती हूँ, फिर इतने टाइम में इनको हटा करके फिर इतने टाइम शाम को और यहाँ पर रखती हूँ छत में, क्योंकि अब मैं छत 6 बज रहा है और 6 बजे वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड सबसे पहले तो देखिए मेरा गुड़हल कितना सुंदर सुंदर आज खिल गया है, एक ये खिला है, एक ये खिला है, देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें से फ्लावर आ चुके हैं फ्रेंड, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और पेटूनिया को देखिए कितनी भर गई है, पूरी पूरा पॉट भर गया है इसका, एकदम से खिल चुका है फ्रेंड, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो इंडोर प्लांट जो हैं। तो देख सकते फ्रेंड दो ये घास हो गए फ्रेंड, इनको आप कम धूप और कम पानी और अंदर खूब आसानी से रख सकते हैं और खूब अच्छे से ग्रो होती है और खूब अच्छे से चलती है फ्रेंड। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, इनको ऊंचाई में रखें ना तो कुछ ज़्यादा ही लुक आता है इनका अच्छा देखने में, नीचे रखो तो ये ज़मीन में रख जाती है इनकी टहनियाँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड, और मैंने अपनी पर्दी में रखा है लेकिन अभी हटा लूँगी क्योंकि बिल्लियाँ आ जाती हैं तो गिर जाएगा तो मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी रखा है, बस हटा लूँगी। देखिए स्पाइडर कितना भी इसके कटिंग लगा लूँ फ्रेंड उतने ही ज़्यादा निकलता है फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने इतनी सारी लगा ली है फिर भी अभी तक ये निकल ही रही है। मैं वो कि पॉट कम हो जाएंगे, जगह कम हो जाएगी रखने के लिए, फिर भी ये प्लांट नहीं कम हो गई, इतना ज़्यादा ग्रो करता है। देखिए कि ये कितना ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, देखिए अभी निकाल रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसकी, और एकदम से देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। देखिए इधर साइड अभी मैंने इतना काट काट के लगाया फिर भी इतने सारे निकल चुके हैं। और फ्रेंड ये प्लांट ये भी कम केयर और कम धूप कम पानी में चलने वाले प्लांट, देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा मेरा प्लांट वुशी हो गया है और पूरा भर गया है फ्रेंड। और इसको देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, इसके दो हैं और ये इसकी लिप्स देखिए फ्रेंड कितनी सुंदर लग रही हैं, कितना मस्त लग रहा है फ्रेंड, है ना। ये दोनों भाई हैं फ्रेंड, और एक ये देखिए कम धूप कम पानी में चलने वाली प्लांट फ्रेंड, ड्रेसिना की वैरायटी फ्रेंड देख सकते हैं। और इसको देखिए फ्रेंड इसमें ये भी इसको धूप नहीं चाहिए, देखिए इसके फ्लावर भी आ चुके। एक ये रहा फ्रेंड, इसको भी एक भी धूप नहीं चाहिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा है, एकदम कमल की तरह बन गया है फ्रेंड। इसको भी आप अंदर रख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसको देखिए देख सकते हैं, इसको भी कम पानी चाहिए और धूप भी ना चाहिए फ्रेंड, और खूब आसानी से ग्रो हो रहा है, और देखिए कितना लॉन्ग हो चुका है देख सकते हैं आप। और इधर ये देखिए जेड प्लांट फ्रेंड, इसको भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए फ्रेंड, ये भी कम ही केयर में खूब ज़्यादा ग्रोथ करता है, अच्छा लग रहा है ना। आइए शुगुनियत कोलियस देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है, और इसको भी इसको तो एक भी धूप पसंद नहीं है फ्रेंड, आप अंदर खूब आसानी से रख सकते हैं, खूब ज़्यादा ग्रो करता है और ऑक्सीजन प्लांट है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी देता है, बहुत अच्छा भी लगता है फ्रेंड, देख सकते कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, है ना, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड इनको भी एक भी धूप नहीं चाहिए, अगर आप इनको धूप में रखते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे देखिए इसको धूप में रखा था इसका कलर कैसे चेंज हो गया फ्रेंड। ये सनसवेरिया देखिए, ये भी इसी का दूसरा वैरायटी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। और एक ये है एकदम चिकना,
और ये सारे इसी के वैरायटी हैं फ्रेंड। मैंने एक से इतने सारे बनाए हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अगर आप आपने गार्डन में एक बार ऐड कर लिया तो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड। तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा परमानेंट प्लांट है फ्रेंड। और आउटडोर इंडोर आप रख सकते हैं, लेकिन अंदर रखेंगे, छाया में जितना रखेंगे उतना हेल्दी रहेगा, और धूप पे रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है फ्रेंड। और ये बड़े वाले लगे हुए हैं फ्रेंड, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए इन सबको, इनको एक भी धूप नहीं चाहिए फ्रेंड। देखिए मेरी इधर साइड धूप नहीं आती, इधर साइड रखे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड। इसको देखिए, इसको भी देखिए, इसकी पत्ती में कितनी चमक है। मदर प्लांट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। मैंने इनके छोटे छोटे बेबी तैयार किए हुए हैं, एक ये रखा है, एक ये रखा हुआ है, बहुत सारे मैंने इनके बेबी तैयार किए हैं देख सकते हैं। और इनकी पत्तियाँ देखिए कितनी ग्रीन और कितनी खूबसूरत लग रही हैं फ्रेंड। मैंने बहुत सारी इनको तैयार की हुई हैं, तो आप लोगों को कैसी लगे हैं, अगर अच्छी लगें तो ज़रूर बताइए कमेंट पे। और ये फ्रेंड खूब आसानी से हम इनको अंदर रख सकते हैं, इनको धूप की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। एक प्लांट और मैं आप लोगों को दिखा देती रही हूँ, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये थन है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं फ्रेंड। अगर धूप लगेंगी तो इस तरह का येलो येलो कलर की पत्ती हो जाती हैं, एकदम नहीं, नीचे की देखिए एकदम ग्रीन रहती है फ्रेंड। दो कलर इसमें रहते हैं, अब बेहद खूबसूरत लगता है फ्रेंड। और छोटे से पॉट में मैंने इसको लगा रखा है, बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड। ये सब इंडोर है फ्रेंड, इनको आप अंदर रख सकते हैं, अब बहुत अच्छे से ये ग्रो भी करते हैं अंदर। अब सबसे बड़ा प्लांट मेरा गया है, देखिए कितना हल्दी है, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। छोटे से छोटे पॉट में ये बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, अब बेहद खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड। तो आप इनको ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में, बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड, और इनसे ऑक्सीजन भी मिलती है। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए मैंने छोटे 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 कितनी ज़्यादा स्पाइडर की ये तैयार की हुई है मैंने अपने अंदर रखने के लिए। तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी फ्रेंड इस साल, तो अभी फरवरी से ये हाल है प्लांटों का, उठाना धरना, तो आगे गर्मी में क्या होगा समझ नहीं आ रहा फ्रेंड। और देखिए एक कटिंग मैंने ये लगाई हुई है, ये देख सकते हैं, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। एक ये हो गई ड्रिशने की वैरायटी फ्रेंड, मैंने इनको कटिंग से ही तैयार कर रही हूँ। एक ये है फ्रेंड, मैं इन सबको कटिंग से तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने छुपा छुपा के रखा है इन सबको, कि इनमें धूप ना लगे और ये जल्दी तैयार हो जाए फ्रेंड। इसको देखिए फ्रेंड, इसको भी एकदम धूप ना चाहिए, खूब आसानी से छाया में तैयार हो जाता है। इसकी पत्तियां ना फ्रेंड बहुत अच्छी लगती हैं, देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत लगता है फ्रेंड। इसको देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। इसको भी आप धूप में ना रखें और अंदर खूब आसानी से चल जाता है फ्रेंड। और देखिए बोतल में रखा है एकदम कबाड़ में, और इसकी गांठ देखिए फ्रेंड, इसकी गांठ होती है ना बहुत मोटी नीचे से, तो बेहद खूबसूरत लगती है फ्रेंड। देखिए ये बेबी मैंने तैयार किए हुए हैं छोटे छोटे, कितने ज़्यादा हल्दी हैं और कितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं फ्रेंड। मैंने एक साथ दो ही लगा दिए जब छोटे थे, इधर साइड मैंने छोटे छोटे कटिंग करके लगा दिया है, ये धीरे धीरे हो जाएंगे फ्रेंड। अभी तो सबसे मेन बात तो फ्रेंड यही है कि अगर अभी तक आपने कटिंग नहीं लगाई है तो ये फरवरी के महीने लास्ट तक आप कर लीजिए, क्योंकि अभी ग्रो हो जाएंगी 15 से 20 दिन में। फिर फ्रेंड मार्च अप्रैल में कोई भी कटिंग नहीं लगेगी, तो अभी ही तैयार कर लीजिए फ्रेंड, खूब आसानी से लग जाएंगी। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें से ये रख दिया जो मैंने स्टैंड बनाया था, तो मैंने ये रख दिया, अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों। और मेरा एक नज़र मेरा गार्डन देख लीजिए, हर कलर के फ्लावरों से भरा है और बेहद खूबसूरत लग रहा है रंग बिरंगे फूलों से। तो देखिए, तो बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों। और फ्रेंड इसको भी आप धूप में नहीं अंदर रख सकते हैं, खूब आसानी से चलने वाला प्लांट है। जितने भी फ्रेंड मैंने प्लांट बताया है वो कम पानी और कम धूप होना चाहिए, खूब आसानी से ग्रो हो जाते हैं और कम केयर से भी, अब बहुत हेल्दी रहते हैं फ्रेंड। तो बाय बाय, लव यू माय गार्डन, लव यू माय फ्रेंड, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों, बाय बाय। और फ्रेंड इसको भी देखिए, ये कैक्टस कितना खूबसूरत, मैंने एक टहनी से इतना बड़ा किया इसको फ्रेंड। और देखिए मेरी कटिंग तैयार हो रही है, ये देख सकते हैं,
कितनी छोटी छोटी मैंने कटिंग लगाई हुई हैं और ये इजली तैयार हो रही हैं फ्रेंड। तो बाय बाय।